राजधानी निवेदिता। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव शुरू हो गए हैं और सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पहले केंद्र के दूत उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर में युवा बेरोजगारों के लिए 50,000 नौकरियों का ऐलान किया। इसी के साथ ही साथ केंद्र सरकार 100 से ज्यादा योजनाओं का डायरेक्ट लाभ कश्मीर के किसानों और वहां के लोगों को देने जा रही है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि सरकार जल्द से जल्द कश्मीर में मेट्रो दौड़ाएगी और इसकी तैयारी तेजी के साथ की जा रही है। खबरों की माने तो इस पर श्रीनगर प्रशासन मेट्रो पर काम कर चुका है और मेट्रो का डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है और साल 2020 से श्रीनगर मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यहां पर एक बात बता दें कि जिस तरह से दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है, ठीक वैसे ही श्रीनगर मेट्रो कश्मीर की लाइफलाइन के तौर पर काम करेगी। श्रीनगर में 25 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट होगा। सूत्रों की माने तो मेट्रो दो चरणों में बनेगी और एक कॉरिडोर में 12 स्टेशन बनेंगे, यानी कि दोनों कॉरिडोर मिलाकर कुल 24 स्टेशनों के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। इस मेट्रो प्रोजेक्ट में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये काम जिसकी देखरेख में होगा वो है मेट्रो मैन ई श्रीधरन। श्रीनगर प्रशासन का मानना है कि पूरा देश आगे जा रहा है, इसलिए हम भी श्रीनगर का भविष्य बनाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार कश्मीर को क्या बनाना चाह रही है, जो आज तक देश के बाकी शहरों से पीछे था। लेकिन 370 के बाद सरकार अब कश्मीर को देश के अन्य शहरों की तरह आगे बढ़ाना चाहती है, या कश्मीर को आगे बढ़ाने की सरकार ने ठान ली है। और अभी तक की घोषणाओं से तो लगता है कि कश्मीर धीरे ही सही लेकिन अब सही रास्ते पर है और आप देखेंगे कि कुछ सालों के अंदर देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा कश्मीर।